ये क्या चीज है? जोड़ घटाओ। जोड़ और घटाओ की मशीन है। मामा पे छोटी की मात्रा मी, मामा पे बड़ी की मात्रा मी, मामा पे छोटा की मात्रा मू। अभी जो बोलेंगे वो करके दिखाना, ठीक है? 13,57,113। मैडम बता दिया, बहुत अच्छा। ये क्या चीज है? ये क्या चीज? इधर लाइए आप थोड़ा कैमरा। ये क्या चीज है? जोड़ और घटाओ की मशीन है। इसमें जैसे ये चीजें हैं। हाँ, ये पासा फेंको, ये बच्चे पासा फेंक रहे हैं। तो ये संख्या 11 है और ये संख्या 3 है। तो इसमें से अगर ये माइनस आया है तो हम इसमें से 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो फिर इसको हम ले आएंगे। ले आओ बेटा, कितना आएगा? 11 है, 11 में से 3 को माइनस करिए, कितना आएगा? अरे वाह, अच्छा अब समझे। मतलब ये जो पासा है, जैसे हम लोग लूडो में देखते हैं वैसा, जैसे एक खेल है ये। आप चार बच्चों को कंपटीशन करा लेंगे इसमें, ठीक है? चार बच्चे पासा इसको फेंकेंगे बारी बारी से, तो जिसका ज्यादा पॉइंट आएगा वो, ऐसे मान लीजिए चार बार मैंने कराया इस चीज को, चार बार में जिसका ज्यादा पॉइंट आ गया तो वो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। इस तरह से बच्चे खेलते हैं। गेम की तरह से सीखते हैं बच्चे। इसमें दो टीमें रहती हैं, एक बार एक टीम को बुलाया जाता है तो अगर उसका सही हो गया तो वो जीत गया, फिर दूसरे का अगर आया, कभी कैलकुलेशन में गलत करते हैं तो उसको आउट माना जाता है। आउट माना जाता है। तो जैसे 10 बच्चे हैं तो 10 एक टीम में, 10 एक टीम में, तो अगर जिस बच्चे का अच्छा रहेगा, ज्यादा पॉइंट रहेगा, वो जीत गया और उसके लिए कुछ ना कुछ आ जाता है, टॉफी है, पेंसिल है, रबड़ है, इस टाइप का बना रहता है इन बच्चों में कि हमें जीतना है। तब सोचते हैं कि सर माइनस ना आए, क्योंकि प्लस आएगा ज्यादा अंक जुड़ेगा, माइनस आएगा तो कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये मैडम, ये SCF है बच्चों, SCF बात करते हैं। चलो आ जाओ बच्चा, कहाँ गया गुट्टी, कहाँ ले गया, खा ले गया? एक मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, पर मैं कहीं किसी YouTube में एक शॉर्ट में देखी थी कुछ, उसको अरेबिक की क्या कुछ तो बोलते हैं, जो ऐसे लंबा सा होता है, अरेबिक, हाँ हाँ, जोड़ते हैं मतलब, हाँ जी, किसी अबाकस बोलते हैं उसको, हाँ हाँ अबाकस, किसी मैं ना किसी बहुत बढ़िया स्कूल में वो देखी थी जिसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। आज मुझे बड़ी सुकून मिल रहा है कि सरकारी स्कूल में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके लिए सर आपको और मैम की प्रशंसा। शुक्रिया शुक्रिया मैडम। बताइए ये क्या चीज़ है? हाँ बता रहे हैं थोड़ा सा मैडम, ये वो कैरम बोर्ड का गोटी लेके चला गया। अच्छा, ये गोटी है ऐसा, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया बच्चों को 15 और लेके आओ यार, 15 और 9 का SCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है? तो ये बच्चे इसके माध्यम से निकालेंगे कि 15 और 9 का SCF कितना होगा। इस तरह से बच्चे जो है, तब तक गुट्टी आ रही तब तक आगे का बताइए। आगे ये मैडम 12 कड़ी है कि बच्चे मात्रा अपने आप आते हैं, इसे पढ़ते हैं, म पर वो की मात्रा मो, ठीक है? अरे वाह, एक सेकंड सर, शुरू से देखते हैं। ये पहले पलटो बेटा, तुम पलटो, हाँ पढ़ते जाओ। म पे आ की मात्रा मा, मामा पे छोटी की मात्रा मी, मामा पे बड़ी की मात्रा मी, मामा पे छोटा की मात्रा मू, मामा पे बड़ा की मात्रा मू, मामा पे री की मात्रा री। ये तो पढ़ो। मामा पे की मात्रा में, मामा पे आई की मात्रा में, मामा पे ओ की मात्रा मू, मामा पे ओ की मात्रा मू, मामा पे आऊ की मात्रा मऊ, मामा पे आऊ की मात्रा मऊ। अब ये बताएंगे, आपका नाम? सोनाक्षी। सोनाक्षी बताइए ये क्या चीज है? इसमें HCF निकालना है। अच्छा, कैसे निकलेगा? इसका हिंदी पता है क्या होता है? HCF को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ। मसा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब बताइए कैसे करते हैं? जैसे हमने लिखा 15 और 9 का मसा निकालना है। ये देखिए यहाँ पे कुछ कुछ हिंट करने के लिए भी लिखा है, बड़े में से छोटे को तब तक घटाएं जब तक दोनों समान ना हो जाए। पंद्रह में से 9 घटाना है।
पहले रखो 15 उसके मैं आपकी मदद कर दूं क्या 15 हो गया है 9 और गिनना हाँ ये 15 हो चुका रखो 15 वाले दो छः दो आठ एक नौ अब बताओ बोलो क्या करेंगे अब कैसे करेंगे ये 15 गिट्टी है ये 9 है हाँ ये 15 है तो 15 में से 9 को घटा देंगे कैसे इसे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना घटा दिए हाँ तो अब इसमें बच्चा है 6 हाँ तो ये 9 है हाँ अब 6 में 9 में से 6 को घटा देंगे 6 इसे घटा देंगे अब 3 हो गया 3 अब 6 में से 3 को घटा देंगे आ गया समान अच्छा ये 3 और ये 3 हो गया हाँ तीन मौसा हो गया अच्छा तो आपका क्या नाम था हाँ आपका क्या नाम था सोनाक्षी सोनाक्षी के लिए भी ताली भाई ये क्या चीज़ है अरे वाह ये देखिए ये बच्चा बनाया है लैपटॉप लैपटॉप है ये अच्छा ये मतलब किस लिए बनाया गया है क्या मतलब इसमें यूट्यूब का साइन है ये विंडो है बता दो कैसे क्या क्या है कुछ बताओ तो हम लोग के पास नहीं है सिस्टम कैसे समझे इसको क्या चीज़ है ये हाँ ये हमारा तो सर बोले थे लैपटॉप बनाए को तो ये हम बनाए ये देखिए कंट्रोल है शिफ्ट है सब कुछ है सब कुछ है ये सब एक बार YouTube पर चले के बटन बटन कैसे क्या होगा तो ये आप बना लिए खुद से हाँ बना है अच्छा फिर सर ने इसको सजा दिया है बहुत बढ़िया अच्छा ये पूरी क्लास ही अपने आप में अनोखी है बच्चों का ना बच्चों का मिड डे मील का समय हो रहा है तो बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे हैं थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी सर बता दीजिए कि बच्चे भी ना परेशान हो कोई दिक्कत भी नहीं ये स्थानीय मान है जैसे बच्चे बता सकते हैं कितना ऐसे हमने नोट लगा दिया है ताकि बच्चे समझ जाइए एक का मतलब कि एक का सिक्का जितनी संख्या रहेगा अगर 5 रहेगा तो ये 5 रुपए हो गया ठीक है अच्छा फिर ये 10 का नोट अगर 3 है तो इसका मतलब 30 ये बच्चे इस तरह से समझ मतलब जाए कोई बच्चा हाँ। कोई बच्चा बताए क्या हाँ। है ये समझाओ बेटा मुझे ये स्थानीय मेरी बात जैसे मेरे को मैथ नहीं आता बिल्कुल भी तो मुझे आसान भाषा में समझाओ ये क्या चीज है क्या चीज है ये स्थानीय मान अच्छा कैसे निकालते हैं मतलब क्या जैसे आप कोई संख्या बोल दीजिए लिखने के लिए तो ये बच्चा इसमें लिख देगा कि इतना हम लिख दिए जैसे बोल दीजिए 30,04,557 चाहे कुछ भी बोल दीजिए ये बच्चा इसमें लिख के दिखाएगा किसके माध्यम से कोई भी आप चलो 10,00,000 लिख के दिखाओ 10,00,000 हाँ 10,00,000 लिख के दिखाओ हमारे उतने सब्सक्राइबर्स हैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही हूँ लिख लोगी ना ठीक है फिर निकालने के बाद समझाना भी कि क्या नहीं हो पाएगा क्या हो गया 10,00,000 क्या देख रही है 10,00,000 तुम्हारा एक 10,00,000 का एक नोट हो गया ना अब बाकी सब जीरो हो जाएगा क्योंकि 10,00,000 बोली है मैडम और कुछ तो बोली नहीं है कि 10,03,00,000 तो मुझे सर थोड़ा समझाइए ये क्या चीज़ है मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ अब समझिए सर एक मेरी बात जैसे जो पत्रकार होते हैं वो जरूरी नहीं है हर विषय के जानकार हों तो मुझे ये समझाइए मतलब ये है कि मैडम जैसे हम कोई संख्या बोलते हैं 7,350 ठीक है तो ये बच्चे लिख नहीं पाते हैं कि 7,350 कितना रहेगा 7,00,000 कर देंगे फिर ये कर देंगे तो इसके लिए मैंने ये बनाया है ताकि बच्चे अगर हम कहें 7,310 बनाना है तो अब क्या करेंगे करके बताइए 7,320 अब हजार वाले में जाएंगे तो यहाँ पे इसको कर देंगे 7 यानी कि ये 7,000 हो गया अब सैकड़ा का स्थान पे 3 कर देंगे यानी 3 नोट 100 का हो गया 300 हो गया 7,300 हो गया अब इसको मान ली 10 करना है तो एक नोट 10 का हो गया 10 और ये 0 कर देंगे तो हो जाएगा 7,310 ताकि बच्चे सीख जाएंगे तो मान लीजिए अगर 350 करना होता हाँ तो 350 देखिए ये 5 नोट कर देंगे 5 10 का नोट 5 बना देंगे ये 10 का सिंबल है समझ आया बन जाएगा तो हाँ तो 7,350 हो जाएगा अच्छा। इस तरह से मतलब बच्चे एक टारगेट दीजिए बच्चे को वो करे हाँ, किसी भी बच्चे को आओ बेटा सर अभी जो बोलेंगे वो करके दिखाना ठीक है 13,57,113 113 चलो ठीक है 113 बहुत
बता दिया, ये एक अनोखी चीज है। पता है ये पूरी क्लास ही अपने आप में अलग है और यहाँ का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। और ये एक बार आप दिखाइए, किताबें भी बहुत ढेर सारी हैं। देखिए मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो बस आप इतना समझिए कि पढ़ाना अपने आप में बहुत कठिन काम है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे घर में एक या दो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है, सरों के अंडर में तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनको अनोखे तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और मुझे पूरी मतलब मैं पूरे यकीन के साथ कह दूँ कि ये बच्चे आगे जाके मैथ से नहीं डरेंगे जैसे मैं डरने लगी थी एक समय के बाद तक। मतलब ऐसा कि टेंथ के बाद मैंने मैथ था क्योंकि वो बहुत, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हो गए, राज राजधानी हो गया, हिंदी में वचन हो गया, बहुत सारे ऐसे बनाते रहते हैं जो भी मिलता रहता है तो बना के बच्चों को सामने प्रेजेंट करते। अभी अभी एक लचीज सर ये सुनवा दो वचन वाला। चलो चलो जब भाषा में संख्या पाते तब वचनों की महिमा गाते, जय जय वचन 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 कितना होता है, एक वचन बहुवचन, और बच्चे बता पाते हैं लड़का क्या होगा, लड़की लड़के होगा, इस तरह से बच्चे बता सकते हैं वचन के बारे में। एक का मतलब कि एक वचन और बहुत सारे हैं तो बहुत सारे बन जाएंगे, इस तरह से एक है मतलब फिजिकल भी करते हैं लेकिन आपको गा के सिखाए हैं, ये फिजिकली बताते हैं, पता चल जाते हैं कि दिखता है कि एक है या दो है तो ये दो बहु, मतलब आप सिर्फ मैथ नहीं हिंदी भी पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते सब, हम कक्षा 4 को मैं ही पढ़ाता हूँ मैडम। सर इसने पोयम शुरू कर दिया, अब रुकी नहीं रही है। बेटा एक एक आदमी गाएगा, ठीक है? आप लोग एक साथ गा रहे हो, शायद समझ में नहीं आ रहा है। अली अयोध्या एक आगरा बदौरे आज बरा अमेठी भी जमरोवा बलिया बंडा बाग प्रयाग देव बरेली बस्ती बारा पंचंदोली फतेहिता समझ आ जा बेटा अली अयोध्या एट आगरा बदा औरैया आजम्ब अम्ब अमेठी बीज अमरोहा बलिया बंडा बाग प्रयाग देव बरेली बस्ती बारा बन चंदौली फते इटावा बुलंद फिरोजा फरुखा ललित लाखमी अनुमा राजा चित्र गाजिया गौतम गुंड हा
पाथर दोई जन जलाना में रखा पुड़गा जी काशी कुशी को स्वामी जस मेरठ मथुरा में महोबा लखनऊ मिर्जाबाद मुराद मुरब्बर पीली राय बरेली सौ सिद्धार्थ मिली संत कवि सामर दाता सीता सा अरु कन्नौज प्रताप रामपुर अरु सरहाना उन्नावार सोल सुल्तान कानपुर है नगर देहाती जिला 75 है सब 75 जिले का नाम हाँ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का नाम है गायन के माध्यम से अच्छा। बच्चे सीख गए सारे बच्चे भी बताते हैं मंडल वंडल हाँ मंडल का भी नाम बता देंगे बच्चे लेकिन अभी उसको बनाया नहीं है मंडल तो ऐसे बताए हाँ बना ये जब बच्चे एक साथ में जब राज्यों का नाम बता रहे थे जिलों का नाम बता रहे थे तब मुझे एक किस्सा याद आया यूपी चुनाव में हम लोग एक नेता के सामने अपना माइक लेकर गए और उनसे भी सेम सवाल किए क्योंकि वो अपने आप को बता रहे थे कि वो यूपी के बड़े नेता हैं तो एक दो बार आप एक स्कूल में खड़े होकर नेता की बात करना गलत है लेकिन बस याद आया तो रिलेट कर रही हूँ कि वो लड़खड़ा गए थे तो इन बच्चों से सीखिए और समझिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत बेहतर जब हम ऐसे स्कूलों में आते हैं और ऐसे क्लास में बच्चों के पढ़ाने के तरीके को देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मेरे को भी इस तरीके से अबेकस के तरीके से मैथ पढ़ाया गया होता कि मैं भी इस तरीके से कैलकुलेशन कर रही होती उस तरीके से मुझे भी कोण सिखाया गया होता इस तरीके से पढ़ाया गया होता तो शायद मैथ मेरा अच्छा होता मैं अब कुछ और कर रही होती लेकिन जो कर रही हूँ उसमें भी खुश हूँ लेकिन ऐसे स्कूलों और क्लासों को देख कर बहुत खुशी होती है इस बात की खुशी होती है कि जो लोग शायद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं महंगी फीस नहीं दे पा रहे हैं उनको संकोच ना हो दिल में दुख ना हो जब ऐसे टीचर्स आएंगे इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि एक दिन यूपी मॉडल भी सेट होगा जैसे दिल्ली मॉडल सेट हुआ है और इसमें कोई गुरेज नहीं ज़रूर सेट होगा क्योंकि टीचर अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं और थोड़ा काम हम पत्रकारों का भी है कि हम थोड़ी अच्छी चीज़ें दिखाएं ठीक है संसाधनों का अभाव है अभी मैं बताऊं इस क्लास में भी अभाव है फर्श नहीं है ठीक है मानते हैं कि खिड़की नहीं है ठंडी में हालत ख़राब हो जाएगी जब कपकपाने वाली ठंडी आएगी जनवरी में तब इस रास्ते हवा आएगी मैं मानती हूँ कि इस चीज़ की कमी है मैं मानती हूँ कि वो पानी वहाँ गिर रहा है उससे बच्चों को दिक्कत है मैं ये सब मान रही हूँ लेकिन इस बात की भी प्रशंसा तो करनी हमारी जिम्मेदारी है कि टीचर मेहनत करके बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं तो हम दोनों काम करेंगे अच्छा को अच्छा और बुरा को बुरा कहने की हिम्मत रखेंगे भाई अगर कोई अच्छा कर रहा है तो प्रशंसा होनी चाहिए एक दिन में ये तैयार नहीं हुआ होगा इसको तैयार करने में टाइम लगा होगा और समझिए कि स्कूल टाइम के बाद जब टीचर्स घर पहुंचते हैं तो उनके परिवार में अपनी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं उन सबको ताक पर रख कर अगर टीचरों ने और बच्चों ने मिलकर इस तरीके से क्लास को सजाया है सलीके से इतना खूबसूरत लग रहा है बस मुझे इस बात का दुख है कि मैं जिस सरकारी स्कूल में पढ़ी उसमें ऐसा क्यों नहीं था बहुत दुख होता है मुझे अगर मेरा वाला स्कूल ऐसा होता तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती लेकिन है नहीं इस बात का दुख था लेकिन कोई नहीं अब देख के सुकून मिल रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ी बहुत बेहतर कुछ करेगी क्योंकि टीचरों का इस तरीके से सहयोग बहुत कम स्कूलों में देखने को मिलता है और जहाँ मिलता है वहाँ हम ज़रूर पहुँचते हैं।